Hello friends, I'm Usha Ugrejiya. Welcome back in Usha's Artist World. आज हम कोकोनट का शेडिंग सीखने जा रहे हैं और सबसे पहले हम कोकोनट को ड्रॉ कर लेंगे। हमारा कोकोनट ड्रॉ हो गया है। अभी हम डार्क येलो कलर लेंगे और कोकोनट का जो शेल होता है उसके ऊपर पहले पूरा अप्लाई कर देंगे। अभी इसके ऊपर हम डार्क ब्राउन अप्लाई करेंगे और एकदम हल्के हाथों से हम कलर को अप्लाई करेंगे। पूरा कलर अप्लाई होने के बाद हम ईयरबड से दोनों कलर को लाइटली मिक्सअप करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। हमने इफेक्ट लाने के लिए नीचे डार्क येलो कलर किया है। तो आप देख रहे हो अच्छे तरीके से मैं कोकोनट के शेप में ही उसको मर्ज कर रही हूँ। अभी मैं व्हाइट कलर को कोकोनट के मिडल पार्ट में अप्लाई करूँगी एंड उसको अच्छे से मर्ज कर दूँगी पहले। एंड देन ग्रे कलर से मैं एक राउंड सर्कल थोड़ा मैं क्रूकेड तरीके से उसको मैं ड्रॉ करूँगी अंदर, क्योंकि मुझे टूटा हुआ नारियल बनाना है, उसका रियल शेडिंग बनाना है। और फिर ग्रे कलर को मैं एक साइड से वन साइड शेडिंग दे दूंगी, उसको मर्ज कर दूंगी ताकि मेरा रियल इफेक्ट दिखे। मैं डार्क ब्राउन से कोकोनट के शेल के ऊपर के हिस्से में मैं उसको बॉर्डर दे दूंगी और मैं पूरा राउंड शेप नहीं दूंगी, उसको मैं थोड़ा क्रूकेड शेप दूंगी ताकि मुझे टूटा हुआ नारियल दिखे। और फिर मैं स्ट्रोक्स दूंगी डार्क ब्राउन के शेल के ऊपर। अभी नारियल को रियल इफेक्ट लाने के लिए मैं स्केल या स्क्रैचर से उसके ऊपर में थोड़े से स्क्रैच करूँगी। जो मैंने नीचे डार्क येलो कलर किया है वो अभी मुझे दिखाई देने लगेगा। मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैचेस बनाऊँगी, छोटे छोटे में स्क्रैच करूँगी ताकि मुझे एक उसका जो ऊपर का हिस्सा आता है नारियल के शेल के ऊपर तो वो पूरा मुझे दिखे, वो तीन के मुझे दिखे। इस तरीके से मैं शेडिंग करूँगी और स्क्रैचर से निकालूँगी। आप जैसे देख रहे हो बहुत अच्छे से वो ऊपर का कलर निकल रहा है और नीचे का कलर हमें दिख रहा है, वैसे हम दोनों ही कोकोनट में कर लेंगे।
लीव्स को लाइट ग्रीन और सैप ग्रीन से हम फिल कर देंगे, जस्ट सिर्फ उसको अप्लाई करेंगे। दोनों कलर को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। पहले भी हमने लिप का शेडिंग सीखा है तो वैसे ही हमें इसको भी करना है। इधर थोड़ा कलर पेंसिल का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास कलर पेंसिल नहीं है इट्स ओके, आप ऑयल पेस्टल से भी कर सकते हो, थोड़ा बॉर्डर दे सकते हो। अभी हम ग्रे कलर को अप्लाई करेंगे उसकी शेडो बनाने के लिए और अच्छी तरीके से दोनों को मर्ज कर देंगे। थोड़ा ब्लैक कलर देंगे ताकि हमें डार्क शेडो दिखे। सो फ्रेंड्स, हमारा कोकोनट रेडी हो गया है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।